भक्तिमय भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल भक्ति भजन सागर। नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। श्री नव दुर्गा कथा, आइए शैल पुत्री माता की कथा प्रारंभ करते हैं। नव दुर्गाओं में प्रथम शैल पुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिन इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। आइए श्री शैल पुत्री माता की कथा प्रारंभ करते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम ब्रशारूढ़ाम शूलधराम शैल पुत्रीम यशस्वनीम। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैल पुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के वहां पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैल पुत्री नाम पड़ा था। ब्रशव स्थिता इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम श्री सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु भगवान शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। माता सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। भगवान शंकर जी के इस उपदेश से माता सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम ना हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। माता सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं, केवल उनकी माता ने स्नेह से गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान श्री शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर माता सती का हृदय क्षोभ ग्लानि और क्रोध से
संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान श्री शंकर जी की बात न मान, यहां आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति त्रोहन भगवान श्री शंकर जी के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर भगवान शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। माता सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैल पुत्री नाम से विख्यात हुई। माता पार्वती जी हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती रूप से देवताओं का गर्भभंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी भगवान श्री शंकर जी से हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह भगवान शिव जी की अर्धांगनी बनी। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। जय मां शैलपुत्री।